कम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल्स अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आज हम बात करेंगे आपके परगेटिव लैक्सेटिव के बारे में। व्हाट इज़ द परगेटिव्स लैक्सेटिव्स, इट इज़ द टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। वी आर डिस्कसिंग द परगेटिव एंड लैक्सेटिव्स। परगेटिव लैक्सेटिव बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो एजेंट हैं जो हमारे स्टूल को फॉर्म करते हैं। एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट भी कह सकते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं। ऑल द एजेंट दैट प्रोड्यूस द सॉफ्टनेस ऑफ द स्टूल्स एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर कॉल्ड परगेटिव एंड लैक्सेटिव। नाउ स्टार्ट्स परगेटिव लैक्सेटिव, जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, साथ में स्टूल को इवैक्यूएट करते हैं और कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, वो सभी क्या परगेटिव और लैक्सेटिव हैं। अब आगे देखते हैं क्या है परगेटिव लैक्सेटिव। दीज आर द एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स, यानी वो एजेंट जिनका हम कॉन्स्टिपेशन में ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, साथ में वो हमारे बाउल जो मूवमेंट हैं यानी कि इंटेस्टाइनल मोशन है उसको बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं इंटेस्टाइनल मोशन को, वो सभी एजेंट क्या है परगेटिव लैक्सेटिव कहलाते हैं। अगर लैक्सेटिव की बात करें तो लैक्सेटिव हैव ए माइल्डर एक्शन एलिमिनेट ऑफ सॉफ्ट एंड बट फॉर्म स्टूल्स, एंड लैक्सेटिव अगर एजेंट यूज़ करेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में माइल्ड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। माइल्ड एक्शन की वजह से क्या होता है कि जो स्टूल होगा हमारा वो सॉफ्ट हो जाता है, साथ में फॉर्म स्टूल जो स्टूल है उसकी प्रॉपर शेप में आता है। ठीक है, अगर परगेटिव की बात करते हैं तो परगेटिव हैव ए स्ट्रॉन्ग एक्शंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इवैक्यूएशंस। और परगेटिव जो होते हैं वो आपके का एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और वो आपका जो हमारा स्टूल फॉर्म होता है उसमें लिक्विड की क्वांटिटी फ्लूइड की क्वांटिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये परगेटिव और लैक्सेटिव बेसिकली डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बताऊँ परगेटिव लैक्सेटिव में बेसिकली जैसे हम कुछ ऐसे डाइटरी फाइबर्स ले रहे हैं, इसमें की भूसी ले रहे हैं, तो वो क्या है लैक्सेटिव काम करेंगे, हमारा स्टूल सॉफ्ट होकर आएगा, आसानी से आएगा। लेकिन अगर हम कैम चूड ले रहे होते हैं तो हमारी फ्लूड जो हमारी स्टूल है, स्टूल में मॉर्निंग के टाइम में फ्लूड पोर्शन बहुत आता है, कोई शेप नहीं होता है, तो वो क्या है परगेटिव होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं परगेटिव लैक्सेटिव की, तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कैटेगरी हमने इस तरह क्लासीफाई किया, पहले बल्क फॉर्मिंग जो उस इवैक्यूएशन जो हमारा स्टूल का होता है उसका वजन को फॉर्म करते हैं और उसके उसका प्रॉपर तरीके से वो स्टूल फॉर्म होकर आता है, वो एजेंट क्या बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर हैं जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। नंबर थर्ड जो स्टिमुलेंट परगेटिव्स हैं जो हमारा इवैक्यूएशन को और ज़्यादा फास्ट कर देंगे, फ्लूड पोर्शन को या वाटर कंटेंट को उसके अंदर बढ़ा देते हैं। एंड लास्ट इज़ द ऑस्मेटिक परगेटिव्स, जो हमारे ऑस्मेटिक परगेटिव्स और ज़्यादा जो ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं एलिमेंट्री कैनल का, जिससे स्टूल बहुत तेज़ी से एयर विद एयर हमारा बॉडी से आउट हो जाता है। तो बात करते हैं पहले हम बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव की, बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स की। डाइटरी फाइबर जितने हैं, ब्रेन है और प्लांटिगो है जिस पर, और स्पगुल्ला यानी कि आपका जो इसबगुल आता है, स्पगुल्ला है, मिथाइसेलुलोज है, ये सभी आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट होते हैं जो बल्क को फॉर्म करते हैं, बल्क मतलब उसका वजन को बढ़ाते हैं स्टूल को और स्टूल के शेप को मेंटेन रखते हैं। स्टूल सॉफ्टनर की बात करें तो डिकोस्टोस एंड लिक्विड पैराफिन्स आर दोस एजेंट डेट इन डेट सॉफ्ट द स्टूल्स, स्टूल को सॉफ्टनेस जो हार्ड स्टूल होता है उसे सॉफ्ट कर देते हैं ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ द वाटर एंड फ्लूइड। एंड स्टिमुलेंट परगेटिव्स की बात करें तो इसमें आपका डाइफिनाइल मेथेन्स आते हैं, जो फिनोफ्थलीन है, बिसोप्रोडाइल है, सोडियम पिकोसल्फेट्स हैं, ये सभी यूज़ होते हैं ऐसे डाइफिनाइल मेथेन्स इन स्टिमुलेंट परगेटिव्स। एंथाक्विनोन की बात करें, सेना कैस्केलेडा जो आपका कैम चूर्ण आता है उसमें सेना बड़ा होता है, कैस्केलेडा यही बड़ा होता है, कैस्केलेडा बड़ा होता है, ये सभी क्या होते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव बात करते हैं। इसके अलावा आपका 5-HT4 एगोनिस्ट होते हैं, प्रियोक्लोराइड्स ये भी आपका यूज़ होता है, और फिक्स ऑयल में कैस्टर ऑयल्स ऐसे स्टिमुलेंट परगेटिव भी काम करता है। कैस्टर ऑयल यानी अंडे का तेल जो यूज़ करते हैं वो भी आपका स्टिमुलेंट परगेटिव जैसा काम करेगा। और लास्ट वन इज़ द ऑस्मेटिक परगेटिव्स, जो सोडियम साल्ट होते हैं, सल्फेट हो सकते हैं सोडियम के, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड डेक्टुलोस, ये सभी सॉल्यूशन होते हैं जो हमारी ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं एलिमेंट्री कैनल का, जिससे एयर के साथ में हमारा स्टूल एलिमेंट्री कैनल से बाहर आसानी से आ जाता है अगर वो फंसा हुआ हो। अब हम वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव की, तो डाइट्री फाइबर्स इस्पागुल्ला यानी कि इसबगुल आर मोस्टली यूज एज ए बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, जिसमें डाइट्री फाइबर्स होते हैं। और फाइबर्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले बहुत चीज़ें बहुत अपनी डाइट में डाइट्री फाइबर्स लेते थे, लेकिन आजकल हमारी डाइट में फाइबर्स कम हो गए हैं। जैसे हम पहले क्या करते थे कि हमारे
डाइट में जो थे हम रोटी के आटे, गेहूँ के आटे के अलावा बेसिकली और भी चीज़ें होती थी जो हम यूज़ करते थे, जैसे जैसे जई है, जई का यूज़ करते थे, बाजरा का यूज़ करते थे, तो उनके अंदर डाइटरी फाइबर ज़्यादा होते थे, तो चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते थे और इवैक्यूएशन अच्छी तरीके से होता था। लेकिन आजकल हमारे घर में आजकल लोग केवल व्हीट आटा यूज़ करते हैं, उसमें से चोकर निकाल दिया था, फाइबर और निकल जाता है, तो डाइटरी फाइबर की डिफिशेंसी रह जाती है। तो डाइटरी फाइबर अगर मार्केट में अवेलेबल है, इस्पागुल्ला एक डाइटरी फाइबर्स है जो बल्क फॉर्म में करेगा। तो डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अनऑब्जर्वेबल मटेरियल, अनऑब्जर्वेबल मतलब वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं एंड डज नॉट एब्जॉर्ब द बस एंड डज नॉट एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, नहीं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। डाइटरी फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, यानी कि वजन यानी कि बल्क है वो आपका वजन बढ़ाएंगे इसमें स्टूल के अंदर जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इट एब्जॉर्ब वाटर इन द इंटेस्टाइन स्वेल एंड इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन द फ्रीज, इसकी वजह से क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में स्वेल होते हैं, स्वेल क्यों जाएंगे, फूल कब जाते हैं, जब ये अपने अंदर वाटर को सोख लेते हैं, इंक्रीज द वाटर कंटेंट, वाटर को सोख लेते हैं, स्वेल होते जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर कंटेंट होता है फीसिस में बढ़ जाता है। फीसिस में जो वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, दिस रिजल्ट स्टूल प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड ईजी फैसिलेट फ्रॉम एनल कैनल, जिसकी वजह से स्टूल में ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, स्टूल सॉफ्ट होगा तो आसानी से वो एनल कैनल से रिमूव हो जाता है। सर्टेन डाइटरी फाइबर्स गम्स लेगनिन्स पेक्टिन्स ये होते हैं, गम्स की बात करें, लेगनिन की बात करें, पेक्टिन्स की बात करें, वाइंड विद बाइल एसिड एंड प्रमोट देयर एक्सक्रीशन इन द एसिड्स। ये जब फाइबर्स की बात करें तो ये फाइबर्स क्या होते हैं, गम्स लेगनिन पेक्टिन्स होते हैं, ये सभी बाइल एसिड के साथ बाइंड हो जाते हैं और बाइल एसिड के साथ बाइंड होने की वजह से जो बाइल में बाइल किसका बना होता है, मेलिक कोलेस्ट्रोल्स के बन के बना हुआ होता है, जिसकी वजह से वाइल का एक्सक्रीशन ज़्यादा अमाउंट में होगा, प्रमोट देयर एक्सक्रीशन फीसिस में हो जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल इन द लीवर इज एनहांस, जब बाइल ज़्यादा निकल रहा होगा तो कोलेस्ट्रोल का डिग्रेडेशन होगा, वो बाद में बाइल में कन्वर्ट होता जाता है, इससे बाइल का प्रोडक्शन, बाइल जब बाहर निकल रहा है तो कोलेस्ट्रोल बाइल में चेंज होता रहेगा, तो इसके तरह से क्या होगा, इस तरह से कोलेस्ट्रोल भी हमारी बॉडी में कम होता रहता है एंड लीवर इज एनहांस, प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी संवाद लोअर, जैसे प्लाज्मा एलडीएल जो होता है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसलिए हम कहते थे डाइट में हम पहले लोग फाइबर ज़्यादा लेते थे, इसलिए हमारी बॉडी का फैट नहीं बढ़ता था, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल जो हमारी बॉडी से कंट्री निकलता रहता था तो हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। लेकिन आज हमारी डाइट चेंज हो गई है तो बिजली प्रॉब्लम बनती जा रही है, आज भी हम चाहें तो अपनी डाइट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे गर्मी है तो बाजरा का यूज़ करें, सर्दी है तो जौ का यूज़ करें, तो हमारी बॉडी में फाइबर्स ज़्यादा पहुँच सकते हैं। इंक्रीज द इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रिवेंशन एंड फंक्शनल ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अगर बात करें तो डाइटरी फाइबर अगर आपकी डाइट में बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा मेथड है, जैसे जिस डाइटरी फाइबर हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में है तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की जैसी कंडीशन नहीं बन सकती, हमारा स्टूल आसानी से पास हो जाएगा, कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये तो हुई बल्क फार्मिंग लैक्टेटिव की बात, अब बात करते हैं स्टूल फार्मर स्टूल सॉफ्टनर लैक्टेटिव, तो डिकोस्टोस एंड लिक्विड पैराफिन आर मोस्टली यूज एज ए लिक्विड स्टूल लिक्विड लैक्टेटिव स्टूल सॉफ्टनर लैक्टेटिव जैसे यूज़ होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सर्फेक्टेंट लैक्टेटिव, सर्फेक्टेंट लैक्टेटिव भी कहते हैं, सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम कोई सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं तो सर्फेक्टेंट ऑयल और वाटर में मिसबिल कर देते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होते हैं, ये सर्फेक्टेंट ऐसे काम करते हैं कि वाटर को इसके जो स्टूल के अंदर वाटर को ज़्यादा मिला देते हैं, जिससे वाटर जो स्टूल में ज़्यादा मिक्स हो जाएगा तो स्टूल क्या हो सॉफ्ट हो जाएगा। कैसे होता है देखते हैं, इट इज एन एनायनिक सर्फेक्टेंट्स एंड सॉफ्ट द स्टूल बाई नेट वाटर एक्यूमुलेशन इन द ल्यूमन बाई द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं और ये डिटर्जेंट क्या करते हैं, सॉफ्ट स्टूल को सॉफ्ट करते हैं बाई द वाटर एक्यूमुलेशन, यानी वाटर कंटेंट स्टूल में बढ़ा देते हैं, और ल्यूमन बाय द ल्यूमन एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वाटर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से कहाँ जाएगा, स्टूल में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है लैक्टेटिव हमने यूज़ किए हैं वो स्टूल के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। इट इमल्सीफाई द कोलोनिक कंटेंट्स एंड इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द फेसेस, मैंने बताया था इमल्सीफाई करेंगे यानी वाटर कंटेंट को उसमें मिक्स जल्दी ज़्यादा करेंगे, और वाटर कंटेंट जब कोलोनिक कंटेंट यानी जो हमारा कोलोन के अंदर जितना पोर्शन है जो हमारा डाइट में हमने खाया हुआ है उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मिक्स हो जाता है और जो हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है।
अब बात करता हूँ मैं स्टूडेंट प्रगेटिव की। स्टूडेंट प्रगेटिव आर मोर पावरफुल देन लेजेटिव। स्टूडेंट प्रगेटिव को पावरफुल होते हैं लेजेटिव से, लेजेटिव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं प्रगेटिव्स लेजेटिव में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जो प्रगेटिव्स होते हैं, प्रगेटिव हैविंग ए मोर पावरफुल देन लेजेटिव, यानी पावर प्रगेटिव जो होंगे उनका एक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है, ज़्यादा तेज़ी से हमारे बॉल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं एज कम्पेयर टू द लेजेटिव। बेसोकोडाइल है, सोडियम पिकोसल्फेट है, मोस्टली यूज एज स्टूडेंट प्रगेटिव ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो लेजेटिव या प्रगेटिव कैसे काम करते हैं। लेजेटिव मॉडिफाई द फ्लूइड डायनेमिक ऑफ म्यूकोसल सेल्स। जो लेजेटिव होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स है, उसमें फ्लूइड का जो मोशन हो रहा था, फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन है, फ्लूइड का रिलीज है, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एंड मे कॉज फ्लूइड एक्यूमुलेशन द गट ल्यूमन वाई वन और मोर फॉलोइंग मैकेनिक। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनल में फ्लूड होता है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। जब फ्लूड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। और कैसे ये एक्यूमुलेट करता है, ये तीन मैकेनिज्म हैं। पहली बात क्या है, इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम एटीपेस बाइलियस सेल्स। बिलियस सेल्स जो होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल होता है, वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है, वाटर हमारी एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसकी ये इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है, वाटर हमारी एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इम्पेयरिंग द इंटरलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। जब नहीं हो पाएगा तो एलिमेंट्री कैनाल वाटर कंटेंट बढ़ेगा और स्टूल में ही वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्टिमुलेटिंग द एडेनाइल साइक्लेज इन क्रिप्ट सेल्स। जो हमारे इंटेस्टाइन में क्रिप्ट सेल्स हैं, उसमें एडेनाइल साइक्लेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इनको स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके इंक्रीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सेक्रेशन, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से हायर अमाउंट में वाटर का सेक्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट सेक्रेशन होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा वाटर कंटेंट, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट स्टूल में, जो स्टूल का मटेरियल है उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट प्रोडक्ट यही होगा कि हमारा स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। लास्ट सेक्शन ये भी होता है कि इनहांसिंग द पोस्टलाइन सिंथेसिस की वजह से, क्योंकि क्या होता है पोस्टर ग्लैंडिन सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ जाती है, और पोस्टर ग्लैंडिन सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो म्यूकोसा से सेक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ जाता है। म्यूकस भी आल्सो, जब म्यूकस पोर्शन ज़्यादा होगा हमारे स्टूल में तो वो भी सॉफ्ट करेगा। तो तीन मैकेनिज्म होता है, या तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपीस और वीलर सेल्स के इनहिबिट कर देगा, जिससे इलेक्ट्रोलाइट वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, या एडेनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा क्रिप्ट सेल्स में, जिससे सेक्रेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन्स से, इंटेस्टाइन से वाटर का सेक्रेशन, फ्लूइड का सेक्रेशन बढ़ जाता है। और लास्ट डांस द फोटिंग सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो लार्ज डोज ऑफ स्टिमुलेंट प्रगेटिव प्रोड्यूस डिहाइड्रेशन हाइपोकैलेमिया। लार्ज डोज ऑफ स्टिमुलेंट प्रगेटिव की हम किसी को कंटिन्यू दे रहे हैं तो मे बी पॉसिबल है कि फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो रहा है स्टूल के थ्रू, तो डिहाइड्रेशन और फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी हो सकती है। इंट्रैक्शन की बात करें तो एंटासिड मिल्क और एंटासिड के साथ में इसको देते हैं तो उसका एक्शन कम हो जाता है, क्योंकि मिल्क या एंटासिड की मिल्क में कैल्शियम होता है, एंटासिड में डिफरेंट टाइप के साल्ट्स होते हैं जो इनसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से इनका एक्शन रिड्यूस हो जाता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, इट इज़ अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू इट्स इफेक्ट इन यूट्रस। कंट्राइंडिकेशन होता है या स्टूडेंट प्रगेटिव्स हैं वो, उसको हम नहीं देते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन में, या हायर लेजेटिव उनको देते नहीं देते हैं, माइल्डर लेजेटिव को देते हैं, हायर लेजेटिव या स्ट्रॉन्ग लेजेटिव को भी नहीं देंगे, क्योंकि वो सब इफेक्ट डालते हैं यूट्रस में। यूट्रस इफेक्ट डालने की वजह से वो हार्मफुल हो सकता है प्रेगनेंसी कंडीशन में। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इन द इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। किसी को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है जैसी, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको हम ये नहीं देंगे। कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इंटेस्टाइन पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, तो वहाँ पर दिक्कत और हो सकती है। लास्ट में इसके यूज़ पे आते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहला इधर इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो जनरल फंक्शनल आपका कॉन्स्टिपेशन है उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द इन बेड रिटन पेशेंट्स, कोई पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, उसका मोशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, जब कहीं भी कंटिन्यू वो लेटा हुआ है, एक या दो दिन, तीन दिन, चार दिन से कंटिन्यू लेटा हुआ है, और ज़्यादा लेटरिंग की वजह से मोशन नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा घूम फिर नहीं रहा है, तो उससे एलिमेंट्री कैनल का मोशन सप्रेस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेड रिटन पेशेंट को भी हम ये देते हैं। टू अवॉइड द स्टेनिंग ऑफ स्टूल्स, स्टेनिंग का मतलब है स्टूल में ब्लड ना आए, या स्टूल जो है टाइट हो जाएगा तो वो कंडीशंस अफेक्ट करेगा, स्टूल में ब्लड आने लगेगा, तो स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो ब्लड आसानी से नहीं आएगा, तो उसकी कंडीशन को बढ़ाने के लिए तो अवॉइड स्टेनिंग एट स्टूल। हर्निया कंडीशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, आई सर्जरी हुई है, या इन पेरिनियल एफिलेशन यानी पाइल्स फिशर सर्जरी हुई है, एनल सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में हम ये देते हैं, जिससे स्टूल सॉफ्ट बना रहता है। और कभी भी
सॉफ्ट ना रहेगा तो, अगर हार्ड नहीं होगा तो, जब कब हार्ड नहीं होगा तो आसानी को भी इस तरह की इंजरी या इंजरी को हार्मफुल नहीं हो सकता, ब्लीडिंग की चांसेस भी कम रहेंगे। अगर स्टूल हार्ड हो जाएगा तो सर्जरी, अगर एनल सर्जरी या फाइल या फिसिस सर्जरी हुई है तो उसमें ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बाउल फॉर सर्जरी, कोलोनोस्कोपी, एब्डोमिनल एक्सरे, जब हम कभी सर्जरी कर रहे होते हैं इंटेस्टाइन की या कोलोनोस्कोपी करनी होती है, एब्डोमिनल एक्सरे करना होता है, तो ये जरूरी होता है कि एलिमेंटेशन हमारी साफ़ हो, क्लीन हो। तो उसको प्रिपरेशन करने के लिए भी हम लैक्सेटिव पर्गेटिव का यूज़ करते हैं, जिससे कि एलिमेंटेशन साफ़ हो जाती है और प्रॉपर तरीके से हम कोलोनोस्कोपी और एब्डोमिनल एक्सरे कर सकते हैं। सर्टन आफ्टर सर्टन एंथेलमेटिक्स, एंथेलमेटिक्स आप समझते हैं, एंथेलमेटिक्स आर द डिसीजन दैट यूज इन द ट्रीटमेंट, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बॉम डिसीज, जो बॉम होते हैं पेट में कीड़े पड़े आते हैं एस्क्रेज टाइप के, तो उसको किल करने के लिए एंथेलमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो एंथेलमेटिक्स के साथ साथ भी कभी कभी हमें लैक्सेटिव यूज़ करने पड़ते हैं, कि एंथेलमेटिक तो उनको किल कर देंगे और उनको बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ पर्गेटिव से यूज़ करके एलिमेंट्री कैनाल से उन कीड़ों को बाहर निकाल दें। मारने काम किसका है? एंथेलमेटिक का, और बाहर निकालने काम किसका? पर्गेटिव से लैक्सेटिव का। फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, अगर कभी कुछ किसी ने फूड या ड्रग पॉइजन ऐसा कंटेंट खा लिया है, वो लॉन्ग टाइम तक हमारे स्टमक रहेगा तो वो हार्मफुल हो सकता है, इसलिए इसे एवैक्यूएट आउट करने के लिए हम लैक्सेटिव और पर्गेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका लैक्सेटिव पर्गेटिव्स। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।